नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी एग्जाम में। दोस्तों रेलवे एग्जाम में आप चाहे लोको पायलट टेक्नीशियन या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी साइंस की पूरी तैयारी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि एक गलती भूलकर भी मत करना, आप ऐसा मत करना कि आप सुबह शाम मत क्वेश्चन 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 लगाते जा रहे हो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे 10 दिन बाद भूल जाओगे, पढ़ा पढ़ाया सब कुछ जीरो हो जाएगा। अभी वक्त है थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने का, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने के बाद में आप क्वेश्चन लगाओगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिक्स को मैं एक लाइन से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आज फिजिक्स बना दिया कल केमिस्ट्री बना दिया तो फिजिक्स खत्म हो जाएगी, उसके बाद में दूसरी चीज़ उठाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखो, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। हम लोगों ने मेजरमेंट वाला चैप्टर पहले से ही पढ़ लिया है, मापन, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, जिसको बोलते हैं यांत्रिकी। मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है ये देखिए, और थ्योरी में भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वाली थ्योरी पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन फ्रेम होता है। ऐसा नहीं कि बस सुबह शाम थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, बहुत मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। अब ध्यान से समझो, देखो यांत्रिकी जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स, सबसे पहली चीज़ गति और विराम अवस्था क्या होती है। देखो विराम अवस्था ये होती है कि अगर समय समय के साथ साथ किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ना हो, मतलब जो वस्तु टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर यहाँ थी और टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर भी यहीं पर मिले, मतलब वो उस जगह से हटी ही नहीं, तो वो हो गई विराम अवस्था। और गतिज अवस्था क्या होती है कि मतलब टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर वो वस्तु यहाँ पर थी, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर वो वस्तु घूमकर यहाँ पर आ गई, यानी कि समय के साथ साथ जिसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो वो बोला जाता है विराम अवस्था। उसके बाद में देखो यहाँ से एक नंबर आपका बिल्कुल पक्का कर लो कि ये आपका 100% पूछा जाना है, दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है। देखो दूरी क्या होती है कि जैसे मान लो आपको इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है तो आप ऐसे घूम कर जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आप पहुँच रहे हो, तो किसी भी वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में मार्ग की जो लंबाई होती है, मतलब यहाँ से गए ये पूरी लंबाई को अगर हम लोग आप देखेंगे तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है जैसे मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको ये, हाँ विस्थापन होता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम दूरी जो होती है, न्यूनतम दूरी, जैसे यहाँ से और इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी कि हमें स्ट्रेट लाइन से इसको मिला दें, तो ये दूरी बोली जाती है विस्थापन। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि दूरी जो है ये एक अदिश राशि है, ठीक है, दूरी कैसी राशि है, दूरी एक अदिश राशि है और जो विस्थापन है ये एक सदिश राशि। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछे जाने की उम्मीद है, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं चाल तथा वेग। चाल तथा वेग में भी वही चीज़, चाल क्या होती है, एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं और चाल हमारी एक अदिश राशि है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाल एक अदिश राशि है, ठीक है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, वेग होता है एकांक समय में जो विस्थापन होता है उसे हम बोलते हैं वेग। तो देखो यहाँ पर विस्थापन हमारा सदिश राशि था तो जाहिर सी बात है वेग भी हमारा सदिश राशि हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताओ चाल सदिश राशि है कि अदिश राशि है, जल्दी कमेंट करके बताओ आप लोग, अदिश राशि है, बिल्कुल सही। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा वेग जो है ये सदिश है या अदिश, तो बिल्कुल अभी टिक कर देंगे ये एक सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से एक और डेफिनेशन है त्वरण, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है कि समय के साथ साथ किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं त्वरण। इसका क्या पूछा जाएगा, त्वरण का आपसे मात्रक पूछा जाता है, तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यहाँ पर लिखा है त्वरण का मात्रक आपसे पूछा जाएगा तो ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पूछा जाए अगर त्वरण किस टाइप की राशि है तो ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि जिसमें दिशा होती है। अब आगे देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये है इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि गति के समीकरण। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा गति के सही समीकरण को पहचानिए। तो गति के 3 समीकरण होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गति के कितने नियम होते हैं, तो आंसर टिक करना है गति के 3 नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या होता है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा नियम होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। और तीसरा नियम होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए।
यस, ये तीन नियम होते हैं जिसमें कि ये जो वी होता है ये होता है अंतिम वेलोसिटी और ये होता है प्रारंभिक वेलोसिटी, ये त्वरण है ये समय है, ठीक है। तो इस तरीके से गति के हमारे समीकरण कौन कौन से बने देख लेते हैं। गति के समीकरण वी इक्वल टू यू प्लस ए टी बना, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया गति का समीकरण वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। इसको याद कर लेंगे बस, समझो कि एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल पक्का हो गया। उसके बाद में न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इससे भी आप समझ लो कि दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो न्यूटन के कितने गति के नियम हैं, तीन नियम हैं। सबसे पहला नियम क्या है ध्यान से समझना, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बन गया कि गैलीलियो का नियम किसे कहते हैं, तो कहेंगे हम लोग गति के न्यूटन के गति के प्रथम नियम को। वस्तुओं की इस प्रकृति को जड़त्व कहते हैं, मतलब जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है, इसे कहते हैं जड़त्व। जैसे अगर हम लोग को आराम मिल जाए कुछ दिन के लिए तो हम लोग आराम में ही रहना चाहते हैं, कोई भी कष्ट उठाना नहीं चाहता, इसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। दूसरा नियम इम्पॉर्टेंट है, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरे नियम में क्या है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल की अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। यही आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि गति के दूसरा नियम क्या होता है, तो आपको टिक करना है एफ इक्वल टू एम ए। ये चार ऑप्शन होंगे, कहीं पर एम डिवाइड बाई ए लिखा होगा, कहीं ए डिवाइड बाई एम लिखा होगा, तो आपको एफ इक्वल टू एम ए पर टिक करना है। इसके बाद में देखो अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, थोड़े दिन बाद जब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तब हम लोग इसके एम सी क्यू से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो गति का अगला नियम तृतीय नियम, थर्ड लॉ क्या कहता है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कि अगर आप किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये तीनों नियम आप तैयार कर लीजिए, आपके एक एक से दो मार्क्स बिल्कुल आप समझ लीजिए कि कंफर्म हो जाएंगे। और थ्योरेटिकल वे में हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट हम लोग इस तरीके की सारी चीज़ों को पढ़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर भी।